अच्छा स्टूडेंट, हम हेनियस कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और अब लोरी ब्रासन कंसेप्ट की बात करते हैं। लोरी ब्रासन कंसेप्ट जो है एसिड एंड बेस। लोरी ब्रासन कंसेप्ट एसिड एंड बेस पढ़ने से पहले हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं हेनियस की, ठीक है। और हेनियस जो है वो सिंपल अप्लाई होता है एक्वस सॉल्यूशन पे, जिनमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर इज क्या यूज होता है, सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। तो मतलब जो सब्सटेंस हम पानी में डिजॉल्व करेंगे और वो H प्लस और OH माइनस देगा तो हम एसिड बेस की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे, एसिड बेस को आपस में डिफरेंशिएट कर सकेंगे। यानी सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व होने के बाद आयनाइज होंगे तो उनकी कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ये पहला फ्लॉ है। दूसरा ये कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सब्सटेंस है, ना इसके अंदर H है ना इसके अंदर OH है, हाउ आई कैन आइडेंटिफाई, हाउ आई कैन डिफरेंशिएट कि ये एसिड है या बेस है, ठीक। बट ये उस टाइम जब आए तो ये एसिड था, जबकि अर्हेनियस में इसका कोई जवाब मौजूद नहीं था। यानी अर्हेनियस कंसेप्ट बहुत लिमिटेड था, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। फिर इसी तरह जो NH3 है ये उसके अकॉर्डिंग आपके एसिड था, क्योंकि पानी में H प्लस देना है इसने। लेकिन मौजूदा वक्त में जब लोरी ब्रासन थ्योरी आ चुकी है उस टाइम में ये उसके अंदर बेस है, ये उसके अंदर क्या है, बेस है। और लोरी ब्रासन इसको बेस बता चुका है NH3 को, जबकि उसकी थ्योरी में एसिड है, समझ गए। ये भी एक फ्लॉस है, एक लिमिटेशन है। जब एक नया साइंटिस्ट आता है या नया कंसेप्ट आता है तो नए कंसेप्ट में अगर कोई साइंटिस्ट जो है वो चीज़ को अपोजिट प्रूफ कर दे तो वो पुराने साइंटिस्ट का फ्लॉज, डिफेक्ट या फिर लिमिटेशंस कंसिडर किया जाता है कि उसकी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी, अप्रोच लिमिटेड थी। दैट्स वाई यहाँ जो न्यू कंसेप्ट है उसके हिसाब से उसको बेस माना चाहिए। अब इसकी क्या अप्रोच थी उसकी बात करते हैं, ठीक। जो लोरी ब्रासन की अप्रोच थी ना बड़ी सिंपल थी। क्या कहता है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनर है और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। एसिड क्या है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रोटॉन डोनर, जो किसी को प्रोटॉन डोनेट कर दे, जो किसी को प्रोटॉन डोनेट कर दे वो एसिड है। बेस का क्या कहा जी, बेस कैसा है, जो किसी का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है जी, वो आपके पास बेस है। एसिड कौन है, जो प्रोटॉन डोनर है, बेस कौन है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। मेनली जो इस थ्योरी के अंदर प्रोटॉन का वर्ड यूज किया ना उसने, वो क्या यूज किया हुआ है कि देखो हाइड्रोजन है ना, उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है मुझे रिवॉल्व करता है। अगर मान लिया जाए कि हमने हाइड्रोजन को H प्लस मानना है तो हमें उसका K शेल बिल्कुल एम्प्टी मानना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। यानी इसको H प्लस बनाने के लिए इसको प्रोटॉन बोला गया, क्या बोला गया, प्रोटॉन, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ज़्यादा एक प्रोटॉन नहीं तो बचेगा हाइड्रोजन के पास, नथिंग एल्स। एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे ताकि बात आपको अच्छे से समझ आ सके। HCl लिया गया, अब यहां समझो तुम्हारे बुक में ना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के को शो किया गया। इलेक्ट्रॉन कैसे शो किए गए जरा यहाँ गौर कीजिएगा। क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से, ग्रुप 7 के बैलेंस है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हो गए, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए, 7 शेयर हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ठीक, 2, 4, 6, 7 हाइड्रोजन का भी एक लिया हुआ है उसने और एक दिया हुआ है, दोनों ने शेयर किया, हाइड्रोजन भी स्टेबल है क्लोरीन भी स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं H2O, जरा गौर कीजिएगा ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शो किए हैं। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन को देखा है तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6 से, तो ये हो गए इसी हिसाब से
यहाँ हमने एच टू शो करना है, 2, 4, 6, यानी कि मैं आपको बताऊँ, एक यहाँ शेयर कर दिए, एक यहाँ शेयर कर दिया, 2, ये 4, ये 6, ठीक है, समझ गए, 2, 4, 5, 6, ये ऑक्सीजन ने शेयर कर दिया, ग्रुप 6 से हाइड्रोजन से वहीं एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाइड्रोजन से एक से ज़्यादा तो शेयर नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए चाहिए एक है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, सिंपल अनेक बॉन्डिंग की बॉन्डिंग, यहाँ सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ऑक्सीजन ने अपना पहला दूसरा या पांचवा छठा शेयर किया है, बाकी चार उसके पास है, ठीक। अब जरा इस तरफ देखते हैं क्या हो रहा है, मेनली आप पता चलेगा दोनों में प्रोटॉन डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ मैं मेनली मेरा अपना तरीका है बताने का, बुक में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी, मेरा अपना ट्रिक है, कंसेप्ट है जो स्टूडेंट को मैं बताता होता हूँ। प्रोटॉन जब किसी सब्सटेंस पे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा माइनस चार्जेस कम होते हैं और प्रोटॉन प्लस का चार्ज आता है उसके ऊपर। जैसा कि अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट देखें, 2 के 3 के 10 के, देखो अगर मैं सोडियम को, मैग्नीशियम को या एल्यूमिनियम को ले लूं, इन तीनों के ऊपर प्लस चार्जेस है, +1, +2, +3, ये प्लस क्यों आए, ये इस बात की निशानी है कि प्रोटॉन इसमें ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। कैसे बोला, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, 2H रह चुका है, ये आपके B2H रह चुका है, ये पहले 1 था, ये 2 है, इसी तरह ये जो एल्यूमिनियम है ये 2H3 है। जब एक निकलता है तो +1, दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो +2, तीन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो +3। अब मैं आपसे एक आसान से सवाल पूछता हूँ, क्या इसमें से प्रोटॉन भी निकल रहे इलेक्ट्रॉन के साथ, नहीं ना, प्रोटॉन तो अपनी जगह न्यूक्लियस के अंदर है। तो +11, -10 कितना चार्ज आना चाहिए, +1, +12, -10 कितना चार्ज आना चाहिए, +2, और +3 जो है चार्ज है, 13 - 10 कितना चार्ज आना चाहिए, +3, ये 13 कौन है, दैट इज प्रोटॉन। अब मैं आपसे ये इसलिए बात कर रहा था, प्रोडक्ट में आप देखोगे कि किसके ऊपर प्लस का चार्ज है, किसके ऊपर प्लस का चार्ज है, प्रोडक्ट में जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा वो डेफिनेटली प्रोटॉन एक्सेप्टर है, उसके प्लस के चार्जेस बढ़ गए हैं। जब सब्सटेंस के अंदर प्लस या प्रोटॉन अब्सॉर्ब कर लेता है, सब्सटेंस प्रोटॉन ले लेता है, उसके प्लस का चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए उसके ऊपर प्रोडक्ट में प्लस आ जाता है। तो देखिएगा मेनली जब आप इसको चेक करते हो तो प्रोडक्ट में यहां पे हाइड्रोनियम आयन बनता है, उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। यहां अगर रिएक्टर में देखो तो 2 हाइड्रोजन है, और अगर प्रोडक्ट में देखो तो हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 3, और रह गया प्लस का चार्ज। तो एक तो ये ट्रिक जो मैंने तुम्हें बतलाई, ये वाली प्लस मींस प्रोटॉन एक्सेप्टर, माइनस मीन व्हाट, प्रोटॉन डोनर। जिसमें प्रोडक्ट में माइनस होगा वो रिएक्टर में प्रोटॉन डोनर रह चुका होगा, समझ रहे। और याद रखे लोरी ब्रांस्टन एसिड एंड बेस जो है वो अपने रिएक्टेंट का बताना है, प्रोडक्ट का नहीं बताना। लेकिन रिएक्टेंट में अब इन दोनों में से हमें बताना होगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन आपने आंसर के अंदर नहीं देनी होती। ये सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इनके रिएक्ट होने के बाद किसको प्रोटॉन मिला और किसने प्रोटॉन दिया। बाकी पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर हम कहेंगे HCl एज अ प्रोटॉन डोनर। कैसे मिला, प्रोडक्ट में यही जो HCl है ये सारे इलेक्ट्रॉन पूरे करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आया, माइनस का चार्जेस, ये प्रोटॉन डोनर। अब मैं कैसे कहूंगा इसको, इसको मैं यू करके एक्सप्लेन करूंगा। इधर देखें, HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस एज इट डोनेट प्रोटॉन टू, किसको डोनेट किया, H2O। सो दैट्स व्हाई HCl इज अ लोरी ब्रांस्टन एसिड, समझ गए। इसका क्या कहोगे,
H2 is converted into H3O plus as it accept proton from HCl, so that's why it is Lowry Bronstein base. Upar likha hua hai acid kaun proton donor, base kaun proton acceptor. आप अगर इस थ्योरी को ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी. ट्रिक कैसा दिया मैंने, प्रोडक्ट में देखना किस में प्लस है और किस पे माइनस है. जिस पे प्लस है ये कंसेप्ट जहन में ले आना, मतलब उसका प्रोटॉन बढ़े. प्रोटॉन उसने ऑब्जॉर्ब किए एक्सेप्ट किया तो बढ़े ना, मेरी बात समझ रहे हो. उसने खुद से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने को प्रेफर किया, दैट्स व्हाई वो प्लस में आया. तो वो रिएक्टर में लाजमी कौन होगा, डेफिनेटली वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा. और यहां जिसके ऊपर माइनस है, फिर से बात देखे सुने, जिसके ऊपर माइनस है डेफिनेटली माइनस कब बढ़ते हैं, जरा माइनस की एग्जांपल भी देख लेते हैं. 5, 6, 7 ग्रुप्स को देखो. 5, 6, 7 5 का मूवमेंट देखा जाता है माइनस 3 के साथ, इसको देखा जाता है माइनस 2 के साथ ऑक्सीजन ले लो, इसको देखा जाता है माइनस 1 के साथ क्लोरीन ले लो. क्लोरीन के ऊपर हमेशा माइनस 1 चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है. मतलब 17 प्रोटॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो माइनस 18 प्लस 17 आंसर इज माइनस 1. जब सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है ना तो माइनस चार्ज आ जाता है, ज्यादा हो जाते हैं. तो इसी तरह सब्सटेंस के ऊपर यहां जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो जाता है, अब ऑक्सीजन जब किसी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है इसका मतलब क्या, थोड़ा ही है कि वो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन का इजाफा होता है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, इसलिए इसके ऊपर माइनस 2 का चार्ज आता है. यही कंसेप्ट इस थ्योरी पे लगाओ, यहां बुक में नहीं लिखा, ट्रिक के साथ चलोगे इंतहाई आसान लगे. माइनस का चार्ज आया मतलब इसने माइनस इलेक्ट्रॉन लेके बांड तोड़ा है, कौन सा वाला, ये वाला बांड तोड़ दिया हाइड्रोजन के साथ, किसको दिया, इसको, इसने बांड तोड़ा है बदले में इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये देख माइनस का चार्ज. तो जब इसने बांड तोड़ा है HCl का, तो इसने H जब दिया है तो कौन बना ये डोनर, जिसको दिया एक्सेप्टर, आपने उसको ऐसे पहचाना. अब आपको अगर ये अच्छा मेनली ये क्या होता है, रिएक्शन के तौर पे क्वेश्चन आता है, ये रिएक्शन एज इट इज आपको पेपर में उठा के दे देगा, बताओ जी आइडेंटिफाई करो लोरी ब्रॉन्स्टेन एसिड और बेस कौन है. आपने क्या करना है, अगर टाइम कम एमसीक्यूज है जल्दी से प्लस माइनस ढूंढना है दोनों में. जो प्लस है मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, माइनस है प्रोटॉन डोनर एसिड. समझ रहे हो मेरी बात, ये एमसीक्यूज के लिए है. लेकिन अगर शॉर्ट में आया हुआ है तो ये दो सेंटेंस लाजमी लिखने हैं. क्या HCl इज कन्वर्टेड इनटू Cl- माइनस एज इट डोनेट प्रोटॉन टू H2O, और क्या कहा H2O इज कन्वर्टेड टू H3O एज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम HCl, सो दैट्स व्हाई इट इज लोरी ब्रॉन्स्टेन बेस, लोरी ब्रॉन्स्टेन एसिड. ठीक, एमसीक्यूज के लिए फिर से प्लस माइनस प्लस एक्सेप्टर माइनस डोनर, ये प्रोटॉन डोनर होगा लाजमी किसके अंदर, रिएक्टर के अंदर, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो. मेरा मानना ये है कि सब्सटेंस के ऊपर प्लस का चार्ज तभी आ सकता है कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल जाए और प्लस का चार्ज आ जाए. आपको क्या लगता है, ये जो क्लोरीन रहता है मस्त बैठ के माइनस अपने ऊपर ले आया, इसको किसने दिए, ऑक्सीजन के ऊपर ये कितने थे, 2, 4, प्रोडक्ट में किधर गया, 2, 4 चला गया. ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पे ने उठा के इसने पूरा इसको दे दिया,
और सी एल स्टेबल, वो माइनस का इंतजार कर रहा होता है। इसने इस बॉन्ड को तोड़ा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन से मतलब थी, 5, 6, 7 ग्रुप से जुड़ा, इस इलेक्ट्रॉन से मतलब थी, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर में इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या किया इसने, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कहा अच्छा ठीक है मेरे से पूरा पेयर ले लो, मुझे प्रोटॉन दे लो, प्रोटॉन ने उठा के एक्सेप्ट कर लिया, H3O प्लस ले लिया, लोरी ब्रांस्टेन थ्योरी में ये एक्सेप्टर बना और ये बना आपका डोनर। और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से या इलेक्ट्रॉन देने लेने के हिसाब से एसिड बेस डिसाइड नहीं करना, प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर के हिसाब से डिसाइड करना, ठीक है, इस हिसाब से डिसाइड करना। और वो मैंने ट्रिक बता दिया, प्रोडक्ट में जाओगे जिसपे प्लस समझ लो उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, जिसपे माइनस समझ लो उसने प्रोटॉन डोनेट किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं NH3, NH3 लोरी ब्रांस्टेन में रीनेस थ्योरी में एसिड है क्योंकि पानी में एसिड देता है, रीनेस थ्योरी में NH3 पानी में H+ देता है, लेकिन लोरी ब्रांस्टेन इसको बेस प्रूफ करेगा कैसे, जरा देखिए NH3 को ले लें। अभी अगर हम NH3 में नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन को, तो आपके पास एक ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, यानी दो ये और एक ये है आपके पास, ग्रुप 5 से बिलोंग करता है NH3 में। अब ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, कितने बना, 3 NH3 में 3 हाइड्रोजन है, पहला दूसरा तीसरा, पीछे कितने बचे, 4, 5 बच गए, दिस वन समझ गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब आगे चलते हैं, वाटर है नेक्स्ट भी, ये आपके पास 2 है, अच्छा यहां क्या होगा, यहां आप देखिएगा वंस अगेन यहां पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है। जब आप प्रोडक्ट में इस रिएक्शन का स्टडी करेंगे तो जो अमोनिया है ये अमोनियम बन जाएगा, ये इससे एक आपके पास हाइड्रोजन ले लेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन जाएगा और ये प्रोटॉन डोनर बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये NH4 हो जाएगा, NH4 प्लस ये OH- हो जाएगा, ठीक। अब आप देखो प्लस मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, लोरी ब्रांस्टेन क्या है, बेस। डोनर कौन बना इस दफा, पानी वाटर, ठीक, ऑक्सीजन ने क्या किया आपके सामने, ये वाला प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसने वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट कर दिया। और बड़ी मीनिंगफुल यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा आपको, कैसे, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने, 4 कहाँ से आया, एक्सेप्ट किया तो आया ना, तो 3 में प्लस 1 4 मतलब ये एक्सेप्टर है, उसने फिर OH दे दिया जी, OH ये रहा प्लस OH, इस ये इसने किसके एक्सेप्ट किया, 7 वाले का, इसने डोनर बनाई, इसने 7 वाले का एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ अच्छा फिर एक और सिग्नल जो है बड़ा आसान सा, कितने हाइड्रोजन है, 2, कितने हाइड्रोजन, 1, 2-1 एक निकल गया, एक निकल गया, तो मतलब बड़े आसान सी बात है, दिस वन इज प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर को आप कहोगे H2 कन्वर्टेड इनटू OH-, H2 इज कन्वर्टेड टू OH- एज इट डोनेट प्रोटॉन टू NH3, दैट्स व्हाट इज लोरी ब्रांस्टेन एसिड। तो NH3 इज अ लोरी ब्रांस्टेन बेस एज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम H2O, ठीक हो गया, थैंक यू।